दोस्तों, जिंदगी में गलतियां तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलतियां नहीं बल्कि बेवकूफियां करने में विश्वास रखते हैं और कई बार ऐसी ऐसी बेवकूफियां कर जाते हैं जो उनकी जान तक की दुश्मन बन जाती है। हालांकि अगर आप आम जिंदगी में बेवकूफी करें तो चलता है, पर अगर कोई इंसान जू में जाकर जानवरों के बीच बेवकूफी करने लग जाए तो आप समझ लीजिए वो कितने उच्च दर्जे का सनकी होगा। जहाँ कोई शेर के पिंजरे में चला जाता है तो कोई पांडा के सामने खड़ा होकर तालियां बजाते हुए दिखाई देता है। मतलब इनकी हरकतें देखकर समझ में नहीं आता कि इंसान हंसे या फिर इन पर गुस्सा दिखाए। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इसी तरह की वीडियोज आपके लिए लगातार लाते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आप साल 2016 में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो को देखिए, जहां हमारे भारत के हैदराबाद में मौजूद एक जू में जब एक शख्स अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन दिखाते हुए न सिर्फ शेर के पिंजरे में चला जाता है बल्कि उसे हाथ देकर ललकारने भी लगता है। वो तो कहिए शेर का पेट भरा हुआ था और वो इन भाई साहब को अपना शिकार बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वरना तो अब तक जितनी देर में ये शेर को चिढ़ा रहे थे, इतनी देर में तो शेर इन्हें चबाकर हजम भी कर जाता। हालांकि शेर की हरकत में आने से पहले जू के कर्मचारी हरकत में आ गए और उन्होंने तुरंत इस आदमी को बाहर निकाल दिया। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो पता चला इस व्यक्ति ने पी रखी थी और उसी के नशे में धुत होकर ये खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझने लगा और शेर के पिंजरे में चला गया। ये घटना 2016 की है, जब एक महिला टोरंटो के एक जू में जाती है। पहले तो ये सभी जानवरों को बड़े आराम से देखती है, पर पता नहीं क्यों अचानक से इनके दिमाग में एक सनक सवार होती है और ये टाइगर के पिंजरे के करीब चली जाती है और फिर छलांग लगाकर उसके बगल वाले पिंजरे के अंदर चली जाती है। इस महिला को देखकर टाइगर इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है कि बार बार इसके आगे पीछे घूमने लगता है और टाइगर की हरकतों को देखकर तो ये साफ है कि अगर इसे मौका मिलता तो इस महिला को अपना शिकार बनाने में बिल्कुल भी देर ना करता। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि टाइगर ने बगल वाले पिंजरे पर छलांग नहीं लगाई, वरना तो टाइगर जितना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से ये इन पर हमला करता। इनका टाइगर को चढ़ाने का ये मजाक इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनकर रह जाती, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया और ये मोहतरमा बच गई। दोस्तों, पांडा हम सभी को प्यारे लगते हैं, लेकिन इनकी भोली सूरत पर जाना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तभी तो जब चाइना के एक जू में जहां बाकी लोग पांडा को दूर से देख रहे होते हैं, वहीं ये शख्स अपने साथ मौजूद कुछ लड़कियों के सामने हीरो बनने के चक्कर में पांडा के पिंजरे के अंदर चला जाता है। पिंजरे के अंदर एक पांडा साइड में बैठा होता है जो इस आदमी को पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये जनाब बेवकूफी की सारी हदें पार करके उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाने लगते हैं। तब भी पांडा कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ये व्यक्ति पांडा को छूने की कोशिश करता है वैसे ही पांडा उठ जाता है और इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये पांडा कैसे आदमी को जकड़कर जमीन पर गिरा देता है। वो तो कहिए इन भाई साहब की किस्मत अच्छी थी कि अपनी जान छुड़ाकर पांडा से भाग निकले, वरना तो देखने में लग रहा था कि आज ये जनाब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि पांडा के दांत जब लकड़ियों को चबा सकते हैं तो इंसानों की हड्डी चबाने में इन्हें कितनी देर लगेगी। जब हम किसी जंगल सफारी में जाते हैं तो कहा जाता है अपनी कार से बाहर बिल्कुल ना निकलें, लेकिन कुछ लोग अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन दिखाते हुए इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और यहाँ पर ये फ्रेंच फैमिली भी कुछ ऐसा ही करती है और गाड़ी से बाहर निकलकर ये लोग बाहर टहलने लगते हैं। इन लोगों को बाहर देखकर शेरों का एक पूरा झुंड इनकी तरफ दौड़ा दौड़ा चला आता है और इन पर हमला करने का पूरा मूड बना लेता है। वो तो कहिए ये लोग शेरों के लिए हमला करने से पहले ही अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, वरना तो इनकी जंगल सफारी इनकी जिंदगी की आखिरी याद बनकर रह जाती।
2011 में ब्राजील में ये देखा गया कि एक शख्स नदी में गिर जाता है। अब वो नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे सामने से बंदर दिखाई देते हैं। इन बंदरों को देखकर ये आदमी काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये बंदर इसे बुला रहे होते हैं। ऐसे में ये इंसान समझता है कि ये बंदर दिमागदार है, जो इसे बाहर निकलने में मदद करेंगे। पर ऐसा सोचना इस शख्स की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ये शख्स बंदरों के करीब आता है, ये सभी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। वो तो खुशकिस्मती से कुछ लोग आकर इसे बचा लेते हैं, पर बंदरों के हमले की वजह से ये इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि तुरंत इसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जानवरों पर भरोसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दोस्तों, इंसान एक बार शेर के सामने जाने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन पोलर बेयर के सामने नहीं, क्योंकि ये इंसान को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। पर इन मोहतरमा को कौन समझाता। असल में दोस्तों, ये इंसिडेंट 2009 का है, जब बर्लिन के एक जू में एक महिला जब स्विमिंग करते करते पोलर बेयर के इलाके में पहुंच जाती है, तो ये पोलर बेयर तुरंत उन पर हमला कर देता है। महिला पर हमला होते देख रेस्क्यू टीम तुरंत इसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ये दो बार ऊपर जाने की कोशिश में गिर जाती है, जिसकी वजह से इन्हें काफी चोट लगती है। लेकिन अंत में तीसरी बार कोशिश करने पर ये महिला सही सलामत ऊपर पहुंच जाती है। पर जब तक ये बहुत ही बुरे तरीके से घायल भी हो जाती है, क्योंकि पोलर बेयर ने इसे बहुत जगहों पर काटा होता है, जिस वजह से तुरंत इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, और करीब 2 हफ्तों तक ट्रीटमेंट चलने के बाद ये महिला सही सलामत घर लौटती है। दोस्तों, एक्वेरियम में हमें पानी के अंदर की जिंदगी के बारे में बारीकी से जानने का मौका मिलता है। इसी वजह से लोग टिकट में अच्छा खासा पैसा खर्च करके एक्वेरियम में जाते हैं और पानी की दुनिया का आनंद उठाते हैं। लेकिन साल 2018 में जब एक ब्रिटिश कोलंबिया के जू में गया हुआ था, तो वहां पर एक तालाब बनाया गया था जिसमें मरीन क्रिएचर्स मौजूद थे। अब ये बेवकूफ न जाने क्या सोचकर तालाब में छलांग लगा देता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जिस तालाब में इस व्यक्ति ने छलांग लगाई थी, उसमें खून की प्यासी शार्क से लेकर एक से बढ़कर एक जानलेवा मछलियां मौजूद थी, जो इसको एक ही झटके में अपना शिकार बना सकती थी। लेकिन ये सारी बातें जानने के बावजूद ये व्यक्ति तालाब में छलांग लगा देता है। पर जब जू के कर्मचारी ऐसा होते हुए देखते हैं, तो वो तुरंत इसे तालाब से निकाल कर गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें एडवेंचर नहीं बेवकूफी है, जिससे ये अपनी जान तो लेते ही उसके साथ साथ तालाब में मौजूद जीवों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते थे। दोस्तों, कुछ लोग अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए जानवरों के साथ तस्वीरें खिंचवाना बड़ा पसंद करते हैं, और ये जनाब भी कुछ ऐसे ही थे। जहां एरिजोना के एक जू में जब ये भाई साहब इस खतरनाक जानवर के आगे खड़े होकर बड़े मजे से फोटो खिंचवा रहे थे, कि तभी पीछे से जगुआर आ जाता है और तुरंत इनके ऊपर हमला कर देता है। अब इस वीडियो में तो ये नहीं दिखता कि इस हमले के बाद क्या हुआ, लेकिन एक बात तो तय है कि इन भाई साहब की इस बेवकूफी के चक्कर में इन्हें कहीं ना कहीं चोट तो आई ही होगी। दोस्तों, जब बच्चे जू जाते हैं, तो अक्सर जानवरों के पिंजरे के पास चले जाते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ 5 साल का बच्चा जब अपने पिता के साथ जू जाता है, तो गोरिल्ला को देखते देखते उसके इलाके में गिर जाता है। आप खुद देखिए कैसे बच्चा यहाँ पर गिरा हुआ है, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। और जैसे ही गोरिल्ला इस बच्चे के नजदीक आता है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि कहीं ये गोरिल्ला बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन यहाँ पर लोगों की सोच से उल्टा हो जाता है, और गोरिल्ला इस बच्चे को देख कर तरस खा जाता है, यहाँ तक कि उसके पास भी बैठ जाता है ताकि गोरिल्ला बच्चे पर अटैक ना कर दे। एक जानवर का इंसान के प्रति दिखाया गया ये प्यार लोगों को बहुत पसंद आता है, और ये वीडियो तेजी से वायरल हो जाती है। दोस्तों, अब पांडा के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगर ये जानवर जहां कहीं भी बैठ गया, तो वहां से उठने का नाम नहीं लेता। ऐसे में जब ये पांडा बैठा होता है, तो जू में आए कुछ लोग इसके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं,
इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे इस पांडा के ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं। ये लोग 30 मिनट तक लगातार पांडा को पत्थर मारते रहते हैं, जिसके बाद जू प्रशासन को इस बारे में पता चलता है और इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर हमारी माने तो जानवरों को परेशान करने वाले लोगों को एक साल तक जेल में बंद रखना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा जानवरों को परेशान करना किसे कहते हैं। बाकी आपका जानवरों को परेशान करने वाले लोगों के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।